मैं हूं प्रवेश संधिला, सोशल मीडिया टॉक शो के साथ। आज भी इसी मौजू के साथ वालदे मोहतरमा मियाँ मोहम्मद नवाज साहब के बारे में हम आज भी बात करेंगे। दोस्तों, बड़ी दुख और तकलीफ वाली बातें हैं जो हम सोशल मीडिया पर देख रहे हैं। मैं आप लोगों से शेयर नहीं कर सकता जो हम लोग देख रहे हैं। इंसानियत शायद इस मुल्क में मर गई है, इंसानियत शायद इस मुल्क में ख़त्म हो गई है। आज एक चीज़ और है कि हमारे साथ बेगम शाह नवाज साहबा हैं, काफ़ी एजड हैं वो। लाइव क्योंकि उनके पास कुछ इशू है इंटरनेट का, तो वो हमारे साथ लाइव नहीं आ सकती। वो हमें टेलीफोन कॉल पर बात करेंगी हमसे। तो दोस्तों, हमारे साथ रहिए, बेगम शाह नवाज साहबा से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम मैम वालेकुम अस्सलाम। बहुत जी, आप ठीक हैं, खैरियत से हैं? मेहरबानी संदीदा साहब, मैं आप सब खैरियत से हैं। जी, अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले तो हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं, आपको तकलीफ जो दी उसके लिए माफी चाहते हैं। काफी लेट भी है, लेकिन अल्लाह ताला की जात आपको जिंदगी दे, सेहत दे, आपका साया हमारे सरों पर कायम रखे। आज हम आपसे बात करना चाहते हैं आपी बेगम शमीम अख्तर साहब साहबा के बारे में, कायदे मोहतरम मियाँ मोहम्मद नवाज के वालदा साहबा के बारे में, जो कि इस दुनिया से पर्दा फरमा गई हैं। कल उनका लंदन में जनाजा होगा और हफ्ते के दिन लाहौर में जनाजा होगा, जहां पे उनको दफनाया जाएगा। आप हमें ये बताएंगे कि आप की कुछ यादें बेगम साहबा के साथ, आपी के साथ पहली मुलाकात आपकी कब हुई उनके साथ? बेगम साहिबा से मेरी पहली मुलाकात 1985 में हुई थी, जब पहली बार मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब चीफ मिनिस्टर पंजाब बने थे। और तब मेरी उन सारे खानदान से मेरी पहली मुलाकात उस साल में हुई थी। और मैं उनसे बहुत इम्प्रेस थी, क्योंकि बेगम साहिबा और उनका पूरा खानदान, उनको देखते ही मैंने कहा कि ये ऐसा खानदान है जो बहुत सादा और सादगी के साथ, और इनके दरवाजे खुले थे, कोई आए जाए कोई रुकावट नहीं होती थी, और बेगम साहिबा सबको बहुत प्यार से और शफकत से पेश आती थी। तो उस दिन से फिर मेरा आहिस्ता आहिस्ता उनके साथ तल्लुक बढ़ता गया, और मैंने उनको देखा कि वो बहुत ही, जिसको कहते हैं एक एग्जाम्पल, माँ का एक एग्जाम्पल था। बहुत अच्छी बीवी थी, बहुत अच्छी माँ थी, और बहुत अच्छी नानी और दादी भी थी, क्योंकि उनकी बेटी भी एक है, उनका नाम कौसर बेगम है, और उनके दो बेटे तो आप सारी दुनिया जानती है, मगर तीसरा बेटा उनका अबास शरीफ साहब था, जिनका इंतकाल हो गया और काफी छोटी उम्र में हुआ, और उनके साथ उनको बहुत सदमा और चोट लगी। उन्होंने अपने अपने कामत मियाँ मोहम्मद शरीफ साहब, उनका भी इंतकाल हुआ, फिर बेगम कुलसुम नवाज शरीफ साहिबा का भी इंतकाल हुआ, और अब्बास शरीफ का, ये सब उनके घर के फैमिली के मेंबर उनके सामने अल्लाह के पास प्यारे हुए और इस दुनिया को छोड़ के चले गए। मगर उन्होंने बहुत हिम्मत के साथ और बहुत ताकत और अल्लाह में भरोसा रखते हुए उन्होंने अपने सारे बच्चों को इकट्ठा रखा, ताकत दी, और अल्लाह में भरोसा और यकीन जो इनके खानदान में मैंने देखा है, मैंने बहुत लोगों में देखा है, मगर इनका बहुत अल्लाह पे यकीन था, क्योंकि इनके अच्छे दिन भी मैंने देखे और अप्स एंड डाउन्स लाइफ में देखे हैं, डिफिकल्ट डेज आई हैव सीन, बट शी स्टूड स्ट्रॉन्ग इन हर फेथ इन गॉड, एंड शी वॉज अ वेरी स्ट्रॉन्ग एंड अ ब्यूटिफुल मदर। आज वो हमारे साथ नहीं है, एक बहुत बड़ा खला छोड़ के गई है, और उनका खानदान, खास तौर पे उनकी औलाद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ साहब, कौसर बीबी और उनके बच्चे मरियम, हमजा और सारे ग्रैंड चिल्ड्रन, इतना उनकी जो खिला है वो पूरा नहीं हो सकेगा, क्योंकि वो एक सेंट्रल फिगर थी अपने खानदान की, पिलर ऑफ स्ट्रेंथ, और सबको यूनाइट करके उन्होंने रखा हुआ था। और सबसे बड़ी बात थी, बहुत अल्लाह पे यकीन रखने वाली, जो बहुत इबादत वो थी, और हर वक्त उनके हाथ अल्लाह के आगे और सजदे में होती थी, अपने बच्चों के लिए हर लम्हा वो दुआ करती रहती थी। तो ये जो कमी रह जाएगी, वो दुआएं जो बच्चों को अब इस दुनिया में भी दी, अगली जहान में भी वो दुआ देती रहेंगी, मगर उनकी दुआओं के साथ, जैसे कहते हैं ना, वो भी और हम सब भी, अब वो हमारे अब बहुत बड़ा इख्तिलार रह जाएगा उनकी दुआओं का।
अल्लाह उनको जन्नतुल फिरदौस में जगह दे और उनके खानदान को सबको हिम्मत दे इस इतने बड़े सदमे को बर्दाश्त करने के लिए, क्योंकि वो माँ माँ होती है, चाहे आप 50 साल की हो, चाहे 10 साल की हो, चाहे आपकी जो भी उम्र हो, माँ का ना होना वो ही जाने जिनकी माँ चली जाती है। और वो एक बेहतरीन वालदा थी, बेहतरीन माँ थी अपने औलाद के लिए और हम सब के लिए। हम जितने मुस्लिम लीग की पार्टी वर्कर्स थे, औरतें थी, यंग बच्चियां थी जिन्होंने पार्टी में काम किया, वो सब उनको अपनी माँ का दर्जा देती थी। मैं तो उनको अपनी बहन जैसे समझती थी क्योंकि मेरी अपनी उम्र भी अब माशाल्लाह ऐसे है कि मैं उनको अपनी बड़ी बहन कह सकती हूँ। और उन्होंने मुझे बहुत प्यार, बहुत शफकत मुझे भी दी, और जो मिलता था उनको ऐसे महसूस होता था कि वो उनके लिए वही इंसान बहुत स्पेशल इंसान है, क्योंकि उनका बहुत बुलंद इखलाक था। इखलाक के जरिए वो सबके दिल जीत लेती थी। बिल्कुल बेशक, आपने बजा फरमाया, जो माएँ होती हैं असल में वो ताकत होती हैं औलाद की, क्योंकि औलाद को पता होता है कि हमारे पीछे हमारी माँ की दुआ है। मियाँ साहब, शुबाज शरीफ साहब, नवाज साहब दुनिया से टकराए हैं, इस मुल्क में हर दफा वो ताकतवरों से टकराए हैं और हमेशा कामयाब रहे हैं। माँ के दुआओं का असर होता था, अब आप क्या समझती हैं माँ की दुआ का असर नहीं है? लेकिन लेकिन आप जैसी और पाकिस्तान पूरे की जो माएँ हैं जिनकी खिदमत की है शरीफ बरादरान ने, वो दुआएं तो मियाँ बरादरान के साथ अब भी रहेंगी जी, इस बारे में क्या कहती हैं आप? मैं तो ये कहूंगी कि शरीफ बदरान दोनों मियां मोहम्मद नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और इनका पूरा खानदान, मैं आपको अपने जाती बात करती हूँ, ये तो मेरे पे ऐसे थे जैसे मुझे अपना खानदान हो मेरा। मैं ऐसे महसूस करती हूँ कि आई एम वन ऑफ द मेंबर्स ऑफ द फैमिली, और मुझे भी ये ऐसे एहसास दिलवाते और सारी पार्टी के लिए ऐसे है। मैं समझती हूँ मैं हूँ इनका खानदान, बाकी समझते हैं तो हर बंदा हर फर्द यही समझता है कि वी आर अ बिग फैमिली और मियाँ साहब हमारे खानदान है और हम उनका खानदान है। और इंशाल्लाह ताला हमारी दुआएं उनके साथ हैं इस मुश्किल वक्त में, अल्लाह उनको हिम्मत दे और मियाँ साहब को सेहत अता फरमाए और मियाँ शहबाज शरीफ को और उनके बच्चों को सबको अपने हिफ्ज व अमान में रखे। क्योंकि मैं मेरे साथ जो जाती उनकी मेहरबानियां है या मुझे जो इज्जत दी है उन्होंने पार्टी के अंदर, मैं कभी नहीं भूल सकूंगी। वक्त आता है जाता है मगर मेरी दुआएं उनके साथ रहेंगी, हम उनके साथ रहेंगे इंशाल्लाह ताला। जो होता वही है, जो मंजूर खुदा होता है, इंसान सोचता कुछ है मगर ताकत अल्लाह ताला की है, जो अल्लाह चाहता है वही होता है। बेशक बेशक। अच्छा ये बताएं, इस घर में इस शरीफ खानदान के बारे में बहुत सारी चीजें जो हैं वो लोग जानते हैं, तारीफ करते हैं, इस खानदान में बेगम कुलसूम नवाज साहबा की जो मेहमान नवाजी है वो बहुत ज्यादा मशहूर है कि उनके घर पे कोई जाता था तो वो बगैर खाना खाए वापस नहीं आ सकते थे। बेगम आपी शमीम अख्तर साहब के बारे में फरमाएं, उनका मेहमानों के साथ जब आते थे रवैया, खाने की दावत और इंतजाम, इसमें कितना इंटरेस्ट लेते थे, कितना ख्याल करते थे, उसके बारे में कुछ बताएंगे आप? कॉल होल्ड पे चली गई है फ्रेंड्स, थोड़ी देर में दोबारा कॉल कनेक्ट होती है तो हम माफी चाहते हैं क्योंकि वो शी इज रियली वेरी इन दी एज, काफी कुफ हमने कवर कोशिश की, मैं दोबारा कॉल मिलाता हूँ, हमने काफी कोशिश की कि उनसे हमारा दोबारा वो वीडियो कॉल से हो जाए बट नहीं हो सका। तो इसके लिए दोस्तों आज आपको क्योंकि सीनियर लीगी रहनुमा है, बहुत अरसा उन्होंने, शायद उनको कुछ को रेगुलर कॉल आ गई है जिस वजह से हमारा उनसे कनेक्ट रापता हुआ है, बट जैसे ही वो दोबारा हमारी कॉल लेती हैं हम बताते हैं। दोस्तों ये वो अल्फाज हैं कि मेरी दुआएं हमेशा शरीफ बरादरान के साथ रहेंगी, क्योंकि वक्त बुरा भी आया अच्छा भी आया लेकिन शरीफ बरादरान जो हैं वो जिस लेवल का इज्जत और एहतराम देते हैं, और उन्होंने बताया कि शी इज ऑल्सो इन द एज, वो उनको अपना अपनी बड़ी बहन भी समझती थी, हमेशा इज्जत हमेशा रिस्पेक्ट, और पहली ही मुलाकात में इतना ज्यादा, बेगम शाहनवाज साहब फरमा रही हैं कि पहली ही मुलाकात में इतना मुतासर किया कि मैं हमेशा के लिए उनकी होके रह गई। ये एक बहुत बड़ी बात है, मैं समझता हूँ जाती तौर पे कि ये बड़े लोगों की निशानी होती है कि बड़े लोग जो होते हैं वो ये चीजें कहते हैं करते हैं जिनका अच्छा टाइम गुजरा है। तो बेगम शाहनवाज साहबा का
पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून एक फैमिली, एक खानदान, और खास तौर पर जो मियाँ साहब हैं, जितनी वो अपने वर्कर्स की इज्जत करते हैं, वो उन्होंने बताया कि दिस इज वन ऑफ अ बिग थिंग। यही वजह है कि मुस्लिम लीग नून का जो वर्कर है वो भी ख्याल करता है कि किसी जगह पे उनसे कोई ऐसी चीज या ऐसी हरकत ना हो जाए जिस पे बाद में शर्मिंदगी उठानी पड़े, जो मेरे ख्याल में एक बहुत बड़ी चीज है। इसको हमें इसको कीप इट करना है। हमें रात को इसहाक डार साहब ने भी यही बात बताई है कि हमें कोशिश करनी है कि ये जो सोशल मीडिया पे अभी चीजें चल रही हैं वो जैसी भी चल रही हैं, जैसा भी कल तक जो तस्वीरें चल रही थी, कल तक जो चीजें चल रही थी वो सोशल मीडिया पे चल रही थी, तो तकलीफ उतनी ही थी, लेकिन उसमें आंसर इस चीज का था कि वो कौन कर रहा है, कैसे कर रहा है। उस पे आप किसी को ब्लेम नहीं कर सकते, किसी को इल्जाम नहीं कर सकते कि ये पीटीआई कर रही है या कोई और कर रहे हैं या वो कर रहे हैं जो नजर नहीं आते, जो हमेशा तकलीफ देते हैं। लेकिन आज दोस्तों एक बहुत बड़ी जो एक अपडेट हुई है वो मैं बस मेरे पास अल्फाज नहीं है। मैंने अभी उनको दोबारा कॉल की है, देखते हैं अगर वो उनकी कॉल हमसे कनेक्ट होती है तो फिर हम दोबारा उनसे मियां साहब के बारे में एक तो सवाल करते हैं, कुछ करते हैं, और उसके बाद फिर क्योंकि ये जी कॉल जा रही है उनकी। हम लोग जी अस्सलाम वालेकुम, आवाज आ रही थी आपको? जी जी कोई बात नहीं। अच्छा आप ये बताएं, मैं आपसे ये पूछ रहा था कि मेहमान नवाज, मतलब बहुत ज्यादा मेहमान नवाजी के बारे में मशहूर है, इसके बारे में कुछ बताएंगे, कुछ वाकया बताएंगे? आप मीटिंग्स के लिए जाते थे तो वहां पे कितना स्पेंड टाइम होता था, किस किस्म की एक्टिविटीज होती थी मियां बरादरान के घर में या उनके ऑफिस में? एक तो मैं ये आपको बताऊंगी कि जो भी उनके घर में जाते थे जी, उनके दरवाजे खुले होते थे, और दूसरा ये तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि वो खाना खाए बगैर कोई उस घर में से आ जाए या उनकी मेहमान नवाजी ना की जाए। तो बेगम साहिबा, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ, सब सारा खानदान मेहमान नवाज था, और बेगम कुलसूम नवाज शरीफ, शी वाज द वाइफ ऑफ द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान एंड द चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब, जो शुरू शुरू में वो थे जी। तो उन्होंने एक एक्टिव रोल औरतों में बहुत प्लेड अ वेरी एक्टिव रोल। तो उससे ये होता था कि बहुत सी खवातीन उनके पास इर्द गिर्द जमा रहती थी, तो उनको दावतों पे भी बुलाती थी कि वैसे मिलने जाए तो खाना। तो मैंने तो कई खाने उनके साथ खाए हैं, कई दफा चाय पिए, कई दफा बैठ के उनके साथ हम बैठे रहते थे कई कई घंटों। वो हमें बातें हमारी सुनती रहती थी और हमें गाइड करती रहती थी कि हमने किस तरह अपने अपने इलाकों में काम करना है या आवाम के लिए जो डिलीवर करना होता था। शी वॉज लाइक अ सेंट्रल फिगर पॉलिटिकली, पॉलिटिकली भी वो बहुत इन्वॉल्व थी और बहुत तहमल मिजाज की थी बेगम नवाज शरीफ साहिबा। तो मैं आपको ये बताती हूँ कि उनके जाने का भी बहुत बड़ा लॉस मियां साहब को जाती तौर पे हुआ और हम पार्टी को हुआ, और खास तौर से मैं तो अपना पर्सनली भी ये कहूंगी कि मेरा उनके साथ बहुत कनेक्शन और मोहब्बत और इज्जत और इत्राम का एक रिश्ता था। तो उनके जाने के बाद आई फील द वैक्यूम, मुझे बिल्कुल महसूस होता है कि वो नहीं है। तो वो बात जो हमारे साथ उनकी थी वो खत्म हो गई उनके जाने के बाद। अगर पार्टी के साथ हैं, हम पार्टी की काम भी करते हैं एंड वी विल ऑलवेज स्टैंड बाय द पार्टी, मगर जैसे मेहमान नवाजी की बात करते हैं तो हर वक्त उनके घर में खाना पीना चलता रहता, लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, चहल पहल चली रहती थी। आपने खुद भी देखा होगा। जी 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 बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। अच्छा अच्छा मुझे एक, अच्छा मुझे एक एक बात बस मुझे और बता दें। माओं को अपनी औलाद सारी बहुत प्यारी होती है, सारी औलाद बहुत प्यारी होती है, लेकिन कभी कभी किसी औलाद को ये शक गुजरता है कि वो अपनी माँ का चहेता है। आप हमें बताएंगे, आपने इस खानदान को बड़े क्लोज से देखा है, बेगम शमीम अख्तर साहिबा, मैं ये नहीं कहूंगा किससे ज्यादा प्यार करती थी, अब मेरा सवाल तो आप समझ गए होंगे मैं क्या पूछना चाह रहा हूँ। देखिए आपने बहुत मुश्किल सवाल किया और अगर वो खुद आप उनसे भी ये बात सवाल करते तो वो आपको ये जवाब देती कि बेटा ये कैसा सवाल आपने किया एक माँ से
क्योंकि माँ तो ये बहुत मुश्किल होता है कहना कि किसको ज्यादा और किसको कम। माँ माँ होती है और आप अपने आप वालिद हैं, आपके जी बच्चे होंगे, जी बच्चे सब बराबर के होते हैं। ये बेशक आप जरूर कह सकते हैं कि कई बच्चे होते हैं वो माँ के पास, जैसे अवेलेबिलिटी ऑफ टाइम है तो वो माँ के साथ वक्त ज्यादा गुजारेंगे, कई बच्चे मसरूफ होते हैं तो इतना टाइम, मगर इनका तो औलाद का ये था कि लाहौर में अगर वो हैं या वो इस्लामाबाद में बेगम साहिबा थी, सब उनके साथ खाना खाते थे, जिधर भी होते थे खाना का टाइम इनका इकट्ठा होता था, दैट वाज फैमिली टाइम। और वो ही मैं इनके असूल देखती थी, एज अ फैमिली पर्सन द प्राइम मिनिस्टर द चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब, ये सारे अपने माँ के इर्द गिर्द इनका वो होता था और उन्हीं के साथ खाना खाते थे और फैमिली सारी बैठ के एक दूसरे के साथ, जैसे कहते हैं, दे वुड एक्सचेंज देयर व्यूज एंड गिव टाइम टू ईच अदर। तो बेशक ये इनका पक्का दस्तूर था जिससे मैं इम्प्रेस होती थी, क्योंकि इन्होंने, इन बच्चों ने माँ बाप को जितना इकराम दिए है और जितना माँ बाप की खिदमत की है, मैंने कम खानदान देखे हैं जो तो इतना अपने माँ बाप को ये इन्होंने जिसको कहते हैं द लव एंड द रिस्पेक्ट दैट दे गिवन द पेरेंट्स, इट्स बिल्कुल अमेजिंग। बिल्कुल ठीक है अलहम बिल्कुल ठीक जी बिल्कुल। अच्छा एक बात ये ऐसे बताएं ऐसे कि होते हैं लकी, उनकी औलाद भी बहुत जी खुशकिस्मत है जी और बेगम साहिबा खुद भी बहुत खुशकिस्मत थी, उनको अल्लाह ने ऐसे औलाद दी थी। बेशक 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 बजा फरमा रहे हैं। हमारे साथ कल रात को इसहाक डार साहब थे, उनसे हमने पूछा तो उन्होंने एक चीज जो हमें बताई कि मियां साहब जो हैं वो उनकी कोशिश होती थी कि वो ज्यादा से ज्यादा अपनी वालदा के साथ टाइम गुजारें। बेगम साहबा को लाहौर में रहना पसंद होता था लेकिन जब मियां साहब प्राइम मिनिस्टर बनते थे तो वो हमेशा उनके साथ वहां पर जाती थी। आपने उनके साथ प्राइम मिनिस्टर हाउस में भी टाइम गुजारा होगा, वहां पे वो कैसी उनके साथ रहती थी कि लाहौर को मिस करती थी, पंजाबी में बातें करती थी आप लोग, हाउ समथिंग अबाउट व्हेन शी वाज इन अ प्राइम मिनिस्टर हाउस। देखिए मैं तो खुद प्राइम मिनिस्टर हाउस में बहुत कम जाती थी, मैं भी जी आपसे आज कहूँ कि जी मैं आई वाज देयर, और मैं जब भी मैं अपॉइंटमेंट लेके जाती थी जी और बेगम साहबा, बेगम कुलसुम साहबा को मैं मिलने जाती थी, जब भी मैंने टाइम मांगा तो उन्होंने हमेशा टाइम दिया, मैं कभी अपॉइंटमेंट के बगैर नहीं जाती थी, बिकॉज आई बिलीव कि वन हैज टू रिस्पेक्ट द चेयर एंड द हाउस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। आई नेवर वॉक्ड इन एंड आउट लाइक दैट। I would take enough time and go and see them, and whenever I would see them, I would find them very respectful towards me, loving, kind. और कभी नहीं होता था कि मैं खाना खाए बगैर वहां से आऊं। और बेगम शमीम साहिबा, वालदा मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहिबा, कि शी आई टेल यू वाज अ वेरी पायस रिलीजियस एंड अ मदरली फिगर इन दैट हाउसहोल्ड। बिल्कुल ठीक है बिल्कुल ठीक है She was a mother to everyone, but मेरे लिए वो मेरी बड़ी बहन थी। बिल्कुल ठीक है बिल्कुल ठीक है। बहुत सारे लोग हमें देख रहे हैं, आपकी आवाज उन तक जा रही है, तस्वीर जाहिर नहीं जा रही। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के लिए आप क्या कहेंगी? उन्होंने पिछले 2 ढाई 3 साल में जितनी तकलीफें इस कौम के लिए उठाई हैं, पहले बेगम साहबा का दुख, उसके बाद जो उनके जो मामलात चलते रहे हैं हुकूमत पाकिस्तान के साथ या स्टेट ऑफ पाकिस्तान के साथ, और आज उनकी वालदा उनकी ताकत इस दुनिया से अल्लाह को प्यारी हो गई हैं, उनके लिए क्या मैसेज है मियां साहब के लिए? आपकी तरफ से क्या दिलासा है, क्या दुआएं हैं? मियाँ साहब के लिए, उनकी सेहत के लिए, सबसे पहले तो मैं उनकी सेहत के लिए दुआ करती हूँ, जी और दूसरा पैगाम मैं ये दूंगी कि मियाँ साहब ने हम सबको जो इज्जत और इत्राम दिया और जो हमारा ख्याल किया, वो मैं कभी जिंदगी भर नहीं भूल सकती। ही इज बीन वेरी वेरी काइंड, स्पेशली ही हैज गिवन मी एंड हिज वाइफ बेगम कुलसुम साहिबा गिव मी अ लॉट ऑफ रिस्पेक्ट, लव एंड रिगार्ड। उसका मैं ये कहूंगी कि मैं उनके लिए दुआ हूँ और अल्लाह ताला उनको हिम्मत दे, द लॉस ऑफ हिज मदर और बेगम साहिबा, एंड दुआ में कि अल्लाह उनको सबसे पहले उनको उनकी मुकम्मल सेहत हो, सेहत होगी तो सब कुछ है बिल्कुल सेहत के साथ, और दूसरा ये है कि अल्लाह ताला के आगे हम दुआ करते हैं, कोई चीज मुश्किल नहीं है। मियाँ साहब ने इतनी खिदमत की है अपने मुल्क की, सबको मालूम है जो वो खिदमत कर गए, मैं नुकता दोहराऊंगा आपके सामने, दुनिया जानती है बेशक और वो अल्लाह ताला जानते हैं, और वो नियत तो खुदा जानते हैं, बाकी आपको पता है सियासत चलती है, लोग अभी क्या सियासत का इस तरह भी
फिर जाते हैं, मगर ऐसे और सब कहते हैं बस दिस इज पार्टी खत्म हो गई, पार्टी खत्म, कोई पोलिटिकल पार्टी खत्म नहीं होती. डिफिकल्ट डेज कम एंड डिफिकल्ट डेज गो, देयर इज अ होप. और हम मुसलमान हैं, हम अल्लाह पे भरोसा करते हैं और तवक्कल करते हैं कि अल्लाह ताला उनके लिए भी और सबके लिए और पाकिस्तान के लिए बेहतर करे और वो हालात पैदा करे जो हमारा मुल्क माशाल्लाह अल्लाह के करम से ऐसा मजबूत हो जाए. और जो हमारे हालात इस वक्त चल रहे हैं, अल्लाह ताला हम सबकी मदद करे. आमीन आमीन आमीन. अच्छा एक 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 सवाल मैं आपसे मतलब जरूर करूंगा. वक्त की जो हुकूमत है उनके हम मजालम पर बात इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि हमारा प्रोग्राम आज बिल्कुल डिफरेंट है, लेकिन शहबाज शरीफ साहब, हमजा शहबाज शरीफ साहब, पिछले 5 दिन से ये हैपन हो चुकी इतवार से, अभी तक हुकूमत ने उनको पैरोल पर रहा नहीं किया. आप क्या समझती है कि अगर उनको इंसानी हमदर्दी की बुनियादों पर, जैसे इंडिया का पायलट छोड़ दिया था, अगर उनके लिए भी रिलीज कर देते, वो अपनी फैमिली के साथ बैठते, मियाँ साहब से बात करते, बच्चों को दिलासा देते, तो क्या इस हुकूमत के लिए एक अच्छा पैगाम नहीं दे सकती थी जो नहीं किया इन्होंने? आप इसकी कुछ कहेंगी इस पर? देखिए मैं आपको ये बताती हूँ, हर इंसान की अपनी सोच होती है. अगर कोई मियाँ साहब के साथ ज्यादा करती, मियाँ साहब की आपने पता है उनकी बेगम चली गई, छोटा भाई चला गया, वालिद चले गए, उन्होंने बहुत उतराव चढ़ाव देखी है. मियाँ साहब इज अ वेरी, मियाँ साहब इज नॉट अ वीक पर्सन, ये मैं आपको बता दूं. और वक्त जो है वो एक जैसा नहीं होता, वक्त आता है जाता है, रात होती है तो सुबह होती है, सुबह होती है तो शाम होती है. जिंदगी में इंसान ये नहीं कह सकता कि ये वक्त तो कोई ताकतवर नहीं है, ताकतवर है जात अल्लाह ताला की. और नहीं चलता हालात को बदलते हुए वक्त का, आप कुछ नहीं कह सकते, वो अल्लाह की रजा होती है. एंड देन टाइम्स व्हेन गॉड विल्स इट थिंग्स चेंज, यू डोंट इवन नो कि कैसे वो देखे रूस कैसे गया था, रशिया का कोई पता चला जब जब टूटा तो हमें तो बाहर भी नहीं आई और देखा कि ये ऐसे हालात बदल गए. तो दुनिया के हालात बदलते रहते, इंशाल्लाह पाकिस्तान की बेहतरी की तरफ अल्लाह करेगा और अल्लाह ताला मियां साहब को सेहत अता फरमाए, जरूर अपने वतन वापस आएंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह अल्लाह चाहेगा इंशाल्लाह इंशाल्लाह. एक बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन है, काफी टाइम लिया आपसे, शुक्रगुजार भी हैं आपके. एक लास्ट क्वेश्चन है, पाकिस्तान की सियासत में पिछले 3-4 साल में जो एक चेंज आया है उसमें एक मरियम नवाज का नाम भी है, उनके बारे में क्या कहेंगी आप? मरियम नवाज से आप मिली, आपने देखा वो इस वक्त पाकिस्तानी सियासत का महवर है, उनके बारे में क्या सोचती है, क्या कहती है, व्यूवर सुन रहे हैं आपको. हमारे हाथों में माशाल्लाह बड़ी हुई है, बहुत ही हिम्मत वाली है, बहुत आप देखिए थोड़े से दिनों में वो कितना सीख गई है और कितने हिम्मत के साथ वो काम कर रही है. मैं आपको ये बताती हूँ कि वो इतने नाजुक तरीके से पली हुई मतलब जेल में रह के आई है और हिम्मत के साथ रही है. उनको जैसे जैसे वक्त गुजरते जाते हैं वो और मजबूत होती जाती है और वो दिस इज पार्ट ऑफ लाइफ, शी इज चोजन अ पाथ वे अल्लाह ताला विल टेक केयर ऑफ हर, गॉड विल हेल्प हर, गॉड विल हेल्प द फैमिली, गॉड विल हेल्प मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब को, मरियम साहिबा को, मियां नवाज शरीफ साहब, शहबाज शरीफ साहब को, उनके बेटे हमजा को जो जेल में है, मियां मोहम्मद नवाज शहबाज शरीफ जो जेल में है, अल्लाह ताला इन सब की हिफाजत करेगा इंशाअल्लाह ताला, अल्लाह इनके साथ है और इनको अपने हिफ्ज व अमान में अल्लाह रखे. मैं इसलिए इनको बहुत दुआ देती हूँ कि दे हैव बीन वेरी वेरी काइंड टू मी एंड टू ऑल द पार्टी वर्कर्स एंड दे हैव बीन एंड हैव स्पेंट वेरी गुड टाइम्स एंड हैव वेरी हैप्पी मेमोरीज. और इंशाअल्लाह ताला मैं सब बहन भाइयों का इनका मैं ये कहूंगी कि इनको अदब करना आता है, लोगों की इज्जत करनी आती है, इज्जत करते हैं और इज्जत देते हैं. बेशक 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 अल्लाह ताला की जात. शहबाज शरीफ साहब, हमजा साहब, मरियम बीबी, ये सब और मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब, मैं आपको बता रही हूँ ना, फॉर द पार्टी वी आर लाइक फैमिली मेंबर्स फॉर देम, फॉर ऑल ऑफ यस, नो डाउट नो डाउट. सरदार साहब ये हमारे भाई है, वो भी लंदन में है इस वक्त. मगर देखिए आप एक किसी को जो कुछ भी कहें, मगर आप नहीं भूल सकते इनकी जो खिदमत है पाकिस्तान के लिए,
history will tell you what they have done for their country. दे डन लॉट फॉर द कंट्री। मैम बहुत शुक्रिया आपको जो तकलीफ दी उसके लिए माजरत चाहते हैं। आपने इतना टाइम दिया, लोगों ने आपको सुना, बहुत सारे लोग आपको सुन रहे हैं आपकी आवाज। मैं आपका अपने तमाम व्यूवर की तरफ से अपनी तरफ से शुक्रिया अदा करता हूँ। आप अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखें। थैंक यू सो मच। थैंक यू जी, थैंक यू। अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। बेगम जकिया शाहनवाज साहब हमारे साथ थी, बहुत सीनियर PMLN की लीडर, मियां साहब के बहुत नजदीक, पार्टी के लिए बहुत खिदमत। उन्होंने बताया कि ये फैमिली के बारे में उन्होंने बताया कि अ वेरी काइंड फैमिली, एक बहुत उनकी जो उस फैमिली की चीजें पसंद उन्होंने बताई हैं वो ये हैं कि इस फैमिली में एक बहुत ज्यादा मेहमान नवाज हैं, इज्जत करने वाले हैं, एहतराम करने वाले हैं, ना कि अपने पेरेंट्स की इज्जत और एहतराम। हमारे हर प्रोग्राम में मुख्तलिफ लोग हमें बता रहे हैं कि अपने माँ बाप के साथ उनका कैसा रवैया, शहबाज शरीफ साहब का इवन के वज़ीर आज़म नवाज साहब का अपने वालद साहब के और वालदा साहब के साथ कैसा रवैया, कैसा प्यार, कैसी मोहब्बत। इसके अलावा पार्टी के जो औरतें हैं, पार्टी के जो मेंबर हैं, उनके साथ कितना प्यार। शी कॉल दिस इज नॉट अ पार्टी, इट्स अ लाइक अ फैमिली। तो मेरे ख्याल में यह बिग वर्ड शी सेड अबाउट दैट PMLN, कि ये PMLN एक पार्टी से ज्यादा एक खानदान है और शरीफ बरादरान जो है इसको एक 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 खानदान की तरह लेकर चलते हैं। मेहमान नवाजी के बारे में बताया, सो काइंड बताया, इसमें कोई शक नहीं है। दोस्तों अल्लाह ताला की जात अगला सफर आसान फरमाए। वालदा मोहतरमा कायदे मोहतरम मियां मोहम्मद नवाज साहब, कल जुमा है और कल लंदन में कायदे मोहतरम मियां मोहम्मद नवाज साहब की वालदा का जनाजा है। जनाजे में सिर्फ खानदान के शिरकत अफराद शिरकत कर सकेंगे, प्रोटोकॉल यही है वहां पे, यहाँ पे नहीं बल्कि पूरे यूरोप में यही है। हॉलैंड, जर्मनी, स्विट्जरलैंड, कहीं भी जाएं तो ये इसी वक्त प्रोटोकॉल है कि 30 लोगों से ज्यादा किसी मस्जिद में लोग इकट्ठे नहीं हो सकते, उसके लिए वहां एक है। तो शरीफ खानदान के डेफिनेट फैमिली के मेंबर्स इतने हैं, इसाक ढार साहब यहाँ पे हैं, तारक शफी साहब वहां पर हैं, उनकी फैमिली है, तो काफी ज्यादा लोग लंदन में उनके हैं, तो उनके लिए भी बहुत मुश्किलात हैं कि वो कौन जनाजे में जा सकेगा, कौन जनाजे में नहीं जा सकेगा। तो कल इसाक ढार साहब ने हमारे प्रोग्राम में बताया था कि जो दोस्त जाना चाहते हैं, जो दोस्त जनाजे के लिए सोचते हैं कि उनको जाना चाहिए, डेफिनेट मैं उनमें से वन ऑफ देम था कि मैं खुद इस वक्त लंदन में होता ताकि सुबह मैं कल जनाजा पढ़ सकूं या कल फर्स्ट फ्लाइट लेके मैं जाता, लेकिन ऐसा इसलिए नहीं किया कि डार साहब ने कहा है कि हम अपने अपने इलाकों में अपनी अपनी जगह पे कुरान पाक पढ़ें, दुरूद शरीफ पढ़ें और उनके लिए बख्शिश करें, उनको हदियातन पेश करें कि वो अल्लाह ताला की जात अगला सफर आसान फरमाए। तो मेरे ख्याल में यही हमारे लिए बेहतर है कि हम कल वहां पे जाएं और जाके झमघटा हो, वहां पे जाके ट्रैफिक ब्लॉक हो, वहां पे मस्जिद के बाहर लोग ज्यादा इकट्ठे हो, पुलिस आए और हम लोग कोई वायलेशन करें, तो मेरे ख्याल में हमें ये सब नहीं करना चाहिए। ये मैसेज कायदे मोहतरम मियां मोहम्मद नवाज साहब तरफ से भी है और यही डार साहब, क्योंकि डार साहब जो कह रहे हैं तो इसका मतलब है कि मियां साहब की तरफ से ये मैसेज है कि हमें एहतियात करनी है। खानदान के सिर्फ 30 लोग वहां जा सकेंगे और खानदान के भी सारे लोग जनाजा नहीं पढ़ सकेंगे, और अगर जनाजा खानदान के सारे लोग नहीं पढ़ सकेंगे तो फिर मुझे और आपको भी वहां पे जाकर किसी किस्म का रश करने की जरूरत इसलिए नहीं है कि वो कानून की खिलाफ वर्जी होगी, अगर कानून की खिलाफ वर्जी होगी तो क्वेश्चन होंगे। तो मेरे ख्याल में ये एक मैसेज बहुत ज्यादा ऑलरेडी हम लोग इसको वायरल कर चुके हैं, अभी भी आप लाइव, आप जो लोग मुझे लंदन से सुन रहे हैं या यूरोप से सुन रहे हैं और वो जाना चाहते थे और उनके कुछ ऐसे प्रोग्राम थे तो मैं कल ही बता चुका हूँ, तो आप इस लोग को इस पे जाने के बजाय कल जुमे की नमाज के बाद अपने अपनी मस्जिद में कायदे मोहतरम की वालदा साहबा के लिए दुआएं कराएं, दुरूद शरीफ पढ़ें और उनको हदियतन तोहफतन पेश करें। दोस्तों एक एक तकलीफ वाली बात जो और है ना, वो मैंने कल भी आप लोगों से की थी और मैं आज भी आप लोगों से करूंगा क्योंकि मेरा दिल जो है ना वो बड़ी बड़ी तकलीफ में है। तकलीफ ये है दोस्तों कि कल से जब से ये हुआ है अपन, सोशल मीडिया पे जो बकवास की जा रही है, सोशल मीडिया पे जो कहा जा रहा था, सोशल मीडिया पे जो फोटो में वायरल की जा रही थी वो बड़ी तकलीफ दे रही थी। इससे पहले ये तकलीफ हम बेगम कुलसूम नवाज साहबा की तरह भी उठा चुके हैं और उस वक्त PTI के जो लीडरान थे, मैंने बताया कल जिक्र किया, उनमें एक
नईमुल हक जो इस दुनिया में नहीं है, अल्लाह उनका अगला सफर आसान फरमाए, उन्होंने जो जो कहा था वो अब जिक्र करते हुए भी शर्म आती है, शर्म आती है बल्कि जमीर गुजारा नहीं करता। बरिस्टर एतजाज हसन साहब ने जो बेगम कुलसुम नवाज साहबा के बारे में कहा था वो भी किसी से डोका चोपा नहीं है। लेकिन मैं हैरान हूँ इनकी लिखाई पे, इनकी पढ़ाई पे, इनके बेजमीर पे, ये कैसे इस तरह की बातें कर लेते हैं? क्या बरिस्टर एतजाज हसन साहब नहीं मरेंगे? इनकी 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 फैमिली के कुछ लोग नहीं मरेंगे? वो ताहयात जिंदा रहेंगे, उनको बीमारी नहीं आएगी? मेरे ख्याल में एतजाज साहब तो अभी भी बीमार हैं, काफी उम्र के उस हिस्से में है कि अल्लाह ताला की जात उनको अकल दे, अल्लाह ताला की जात उनको अकल दे, बहुत अकल दे। अब भी जब भी टीवी भी आते हैं ऐसी बातें करते हैं, लेकिन शायद उनको किसी ने बता दिया है कि मतनाजा बातें करने से इंसान मशहूर होता है, लोग ज्यादा सुनते हैं, शायद उनको किसी ने बता दिया है। तो दोस्तों, जो तकलीफ वाली बात मैं आपसे बता रहा कर रहा था, सोशल मीडिया पर इस पर तस्वीरें घूम रही हैं कि शरीफ बरादरान ने वहां से पार्सल करवा दिया है, सोशल मीडिया की हद तक घूम रही थी, हमें नहीं पता था कौन कर रहा है कौन नहीं कर रहा। लेकिन मेरी मैं एक जो तकलीफ आज हुई है वो फरदौस आशिक अवान के बयान से हुई है। फरदौस आशिक अवान ने आज मीडिया में जो कहा है, खुदा की कसम, आप एक एक किसी भी जी शौर इंसान से, किसी भी जिस इंसान का जमीर है, जिसकी कुछ तरबियत है, जिसको उसका माँ बाप ने कुछ दिया है, वो किसी एकेडमी स्कूल कॉलेज गया, वो ऐसी बात नहीं कर सकती जो आज पंजाब की वजारत इतलात में जो विराजमान है फरदौस आशिक अवान, उन्होंने जो बात की है, उन्होंने वही बात की है जो सोशल मीडिया पर चल रही थी कि शरीफ बरादरान ने वहां से अपनी मां को DHL पार्सल कर दिया है। अब आप खुद अंदाजा करें कि वजारत पंजाब की तर्जमान ऐसी बात करें, क्या ऐसा मुमकिन है कि ये लाइन वो खुद कह दे, या कैसा मुमकिन है कि उसको 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 ये अकल ना हो या इसने मौत ना हो? मकसद क्या है दोस्तों? आप क्या लगता है कि इससे शरीफ बरादरान की कोई इस बात करने से क्या उनको तकलीफ पहुंचाना मकसद है? लेकिन आप ये देखें जो आपके लाखों लोग सुनने वाले हैं टीवी पे, जो जिन्होंने ये क्लिप देखा है सोशल मीडिया पे वायरल किया, आप जाके देखें, कोई मैंने एक जगह पे नहीं देखा जिसने फरदौस आशिक अवान को अप्रिशिएट किया हो, हर बंदे ने उन पर तनकीद की है। लेकिन मेरी समझ से बाहर है, अगर कोई फेसबुक पे ट्विटर पे कोई ऐसी बातें करता है तो वो समझ आती है कि कम अकल है, मतलब ये है वो है। लेकिन एक वजीर जो इससे पहले वफाकी वजीर रही है, वजारत तर्जमान रही है हुकूमत पाकिस्तान की, अभी वो पंजाब हुकूमत की तर्जमान है, अगर उनके मुंह से ऐसी बात होती है तो तकलीफ बहुत ज्यादा होती है, बहुत ज्यादा होती है। लेकिन इन लोगों के लिए दोस्तों दुआ करनी चाहिए, अल्लाह ताला की जात इनको हदायत दे, क्योंकि इन लोगों का जो अंजाम है ना, इन लोगों का जब आप अंजाम के बारे में सोचेंगे ना तो आप परेशान हो जाएंगे। मुशर्रफ का अंजाम कल भी मैंने कहा था, वो देख लें आप मुशर्रफ का अंजाम क्या है। ऐसे लोगों का जो अंजाम होता है ना दोस्तों, वो इबरतनाक होता है। लेकिन हमारे हमारे कल्चर का एक मसला बन चुका है, खासतौर पे हमारे पाकिस्तान के, हम लोग सीखते नहीं हैं। हम जो किसी को तकलीफ होती है, मुशर्रफ की तकलीफ है तो वो मुशर्रफ को होनी है, हमें नहीं होनी है। नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा हरगिज नहीं है। आज हम जो करेंगे वो कल हमारे साथ होगा, इस दुनिया का असूल है, इस दुनिया में ऐसे ही होता आया है। आपने सद्दाम हुसैन का नाम सुना है? मैं उसकी कोई मिसाल ना देना चाहता हूँ, वो आलम इस्लाम के एक बहुत बड़े हीरो थे, वो एक दौर में हीरो भी थे, फिर एक दौर में वो अपने मुल्क में बड़े हीरो थे, फिर एक दौर में वो पता नहीं क्या हुआ तो वो हीरो से जीरो हो गए। आपने देखा वो उनको उनको जैसे हैंग किया गया, जैसे उनको पकड़ा गया, जैसे उनके पकड़े पर अवाम ने खुशियां मनाई, तो ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए। आप जो करेंगे वो भरेंगे, इस पे कोई दो राय नहीं है। तो खुदा के लिए, खुदा के लिए, मामा सानिया होंदिया ने अपने मरण ते खुशी ना करिए, सजर बेगाने क्या उसे कहते हैं, मरण ते खुशी ना करे, अपने आप ही टूट जाना। कैसे हो सकता है दोस्तों, कैसे कर लेते हैं? खास तौर पे हुकूमत में बैठे इतने पड़े लोग लोग जो वजीर हैं, जो MNA हैं, जो जवाब दे हैं अपने अपने हलकों में, कैसे कर लेते हैं दोस्तों? बड़ी तकलीफ वाली बात है, बहुत दुख वाली बात है। जितना तकलीफ और दुख मुझे आज फरदौस आशिक अवान साहिबा से, मैं मुझे पहले कौन सी उनसे कोई उम्मीद है, लेकिन मैं आज उनसे ये एक्सेप्ट नहीं कर रहा था। एक ऐसी औरत जो गैर मतनाजा है, जिसका सियासत से कोई तल्लुक नहीं है, वो शरीफ बरादरान की माँ है, 93 ईयर की एज में उनकी वफात हुई है, वो अल्लाह पाक को प्यारी हुई हैं, वो उनको अभी तक दफनाया नहीं गया है। अल्लाह अकबर, अभी तक उनको दफनाया नहीं गया है, अभी तक उनकी बॉडी लंदन में पड़ी है, जो कल पाकिस्तान आएगी और परसों उनको दफनाया जाएगा। एक आदमी इस दुनिया में नहीं है, उसकी मैयत पड़ी हुई है। एक तरफ आप उनके बेटे को, शहबाज शरीफ साहब और उनके बेटे को आज पेशियों पे लेके जा रहे हैं, भुगता रहे हैं, और उनकी लाश घर पे पड़ी हुई है। कैसे कर सकते हैं आप लोग ये? मैं तो आज मेरे पास वर्ड नहीं है, आज मेरे पास ऐसी कोई वो बिल्कुल भी नहीं है कि मैं कुछ कह सकूं। लेकिन दोस्तों, आप बिलीव करें कि ये बड़ी तकलीफ वाली और पेन वाली चीज है,
मैं इस पे क्या कह सकता हूँ, या मुझे इस पे क्या कहना है, या मैं इस पे क्या कहूँ, मैं सिर्फ दुआ करता हूँ, दुआ करता हूँ। पीएमएलएन के जो दोस्त हैं, मैं उनसे भी रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो इस पे इतना इस पे ठीक है, वो करें, शेयर करें, लेकिन इस पे कोई गाली, इस पे कोई बुरे अल्फाज, कोई ऐसी चीजें ना करें, क्योंकि उससे वो, मैं नहीं समझता कि उससे कोई अकल आ जाएगी इनको, या कोई अकल आ जाएगी। आप बस एक, मैं ऐसे लफ्ज ना लिखें, अभी मुबीन मास्टर साहब ने लिखा है, ऐसे लफ्ज ना लिखें भाई, कोई गल नहीं, इससे मैं माफी माजरत इसलिए करता हूं कि यार मेरे मुंह से कोई ऐसा लफ्ज या ऐसी कोई बात ना निकल जाए मूसा खान भाई, के कल को मुझे माजरत करनी पड़े या मुझे तकलीफ हो, मैं किसी के सामने शर्मिंदा हूं यार कि आपने ऐसी बात की थी, ऐसी नहीं। तो मैं अपनी शर्मिंदगी होने के लिए, बचाने के लिए, मैं फौरन माजरत करता हूं कि मेरे मुंह से कोई ऐसी बात निकले जो मैं, मेरा मकसद ऐसा किसी को दिल दिखाने का ना हो, तो मैं इसलिए माजरत करता हूं। लेकिन मैं तमाम दोस्तों से रिक्वेस्ट करता हूं, तरला करता हूं, विनती करता हूं कि आप लोग कंट्रोल में रहें, आप लोग कल के दिन के लिए और सैटरडे के दिन के लिए दुआएं करें। अल्लाह ताला की जात, जिन जिन जिनकी माएं इस दुनिया से रुखसत हुई हैं, सबकी माओं को अल्लाह ताला की जात जन्नत में जगह दे, अगले सफर आसान फरमाए। अल्लाह ताला की जात सबकी माओं को, सबकी माओं को, और उन्हीं माओं में एक माँ जो मियाँ मोहम्मद नवाज साहब की, हमारे कायद की माँ, अल्लाह ताला की जात उनका भी सफर आसान फरमाए। उनके लिए कुरान पाक पढ़ लें, उनके उनके लिए दुरूद शरीफ पढ़ें, और उनको हदियातन पेश करें। मेरी यही आप लोगों से रिक्वेस्ट है, मेरी आप लोगों से यही दरख्वास्त है। उसमें एक चीज मत भूलें, कायदे मोहतरम के लिए दुआ करें, अल्लाह ताला की जात उनके मुश्किलात कम फरमाए, और उनकी सेहत के हवाले से काफी परेशानी है, पहले ऑलरेडी जो प्रॉब्लम चल रहे थे, अब उनके किडनी में जो स्टोन है वो इशू है, वो प्रॉब्लम चल रहा है, तो उस वजह से भी आप लोग उनके लिए, मुझे अपने अपने शहरों के नाम लिखते जाएं। अभी मैं 5 मिनट और लाइव में देखना चाहता हूँ कौन कौन से कहाँ कहाँ से देख रहा है। अगर अपने शहरों के नाम लिखेंगे, अगर आप यूट्यूब पर भी लिखेंगे, नहीं बिल्कुल अच्छी बात है मूसा भाई, आपको ऐसे करना भी नहीं चाहिए, हमें ऐसे करना भी नहीं है। मैं बिल्कुल यही तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, हमें सिर्फ क्या करना है, दुआ करनी है, कुरान पाक पढ़ना है, उनके लिए दुरूद शरीफ पढ़ना है, और उनके लिए हदियातन पेश करना है। दुनिया की तमाम माओं को, जो हमारे दोस्त जो भी देख रहे हैं जिनकी माएँ इस दुनिया में नहीं है, सबकी माओं के लिए दुआ करना है, सबकी माओं के लिए हमें अल्लाह ताला की जात के हजूर जो है वो दुआ करनी है। दोस्तों कल हमें एक ऐसी शख्सियत ज्वाइन कर ली है जो मक्का मदीना, मक्का में रहते हैं, उनके नाम के साथ मक्की लगता है, आलम इस्लाम में उनका बड़ा नाम है, वो बहुत ज्यादा, मैं अगर ये कहूँ कि उन्होंने, जो मुझे इन्फॉर्मेशन है कि 200 के नज़दीक उन्होंने किताबें लिखी हैं, और 100 किताब उन्होंने अरबी में लिखी है, और 100 किताब उन्होंने उर्दू में लिखी है। जो अरबियों के जो आलम दीन हैं उनमें एक बड़ा नाम है उनका, बहुत शोरा आफाक किस्म की शख्सियत है। कल हम उनसे दो बातें पूछेंगे, एक तो ये कि उन्होंने शरीफ बरादरान के बच्चों को कुरान पाक पढ़ाया है, शहबाज शरीफ साहब उनके शागिर्द रहे हैं, और नवाज शरीफ साहब के साहबजादी और उनके बेटे भी उनके शागिर्द रहे हैं, मियाँ शरीफ साहब के वो दोस्त रहे हैं, और मियाँ साहब के वो अपने आप को, मतलब कि मियाँ साहब उनसे छोटे हैं, मियाँ साहब बहुत इज्जत और एहतराम देते हैं। हम कल उनसे कल इस बारे में बात करेंगे, और उनसे दीन के हवाले भी पूछेंगे, ये जो चल रहा है कि दीन क्या कहता है, इस पे किसी की जो किरदार कशी है इसके हवाले से पूछेंगे, आखिरत के हवाले से पूछेंगे, और कुछ चीजें उनके इस्लाम के बारे में भी कल पूछेंगे। कल वो इंशाल्लाह ताला, मैं इंशाल्लाह ताला कल हम इसी टाइम पे ऑनलाइन होंगे, और अल्लाह ताला की जात ने अगर जिंदगी दी, सेहत दी, तो कल आप लोगों से फिर मुलाकात होगी। कल जनाजा हो चुका होगा, और कायदे मोहतरम की वालदा साहबा की जो बॉडी है वो पाकिस्तान के लिए रवाना हो चुकेगी, और सैटरडे को उनका पाकिस्तान में जनाजा होगा, और इंशाल्लाह ताला फिर जनाजे के बाद जाहिर है दोबारा जो एक्टिविटीज हैं वो शुरू होंगी, फिर दोबारा रूटीन में हम आएंगे इंशाल्लाह ताला। दोस्तों आप अपना ख्याल रखें। जी बिल्कुल ठीक है जी, सियालकोट से साहब देख रहे थे, लाहौर से हमें देख रहे हैं, अल्लाह ताला की जात आप लोगों को जिंदगी दे, सेहत दे। आज मैं बड़ा, दिल मेरा बोझल है, ये हक, ये जो आप, जी बिल्कुल, मैंने पढ़ी नहीं है, मैंने उसके कुछ हिस्से उस किताब के पढ़े हैं, जी बिल्कुल, मैं उस किताब पे प्रोग्राम कर चुका हूँ जी, मेरा प्रोग्राम है, अगर आप यूट्यूब पर जाएं हकीम सईद के हवाले से, इमरान खान हकीम सईद के हवाले से, तो वो किताब में मैंने उस पर प्रोग्राम किया है, आप लोग वो देख सकते हैं मेरे यूट्यूब चैनल पर जाके, ये नीचे लिखा है सोशल मीडिया टॉक शो। अगर जो दोस्त ये लाल जमान खान साहब, और जो दूसरे दोस्त मुबीन मास्टर साहब, अगर आप लोगों ने मेरा YouTube का चैनल, इस प्रोग्राम का जो चैनल है सोशल मीडिया टॉक शो, सोशल मीडिया टॉक शो, उसको जरूर जाएं और उसको प्लीज जरा सब्सक्राइब कर दें,
उस पर वो वीडियो देखी हुई, वो देखेंगे आप उसको, उसमें आपको पारे प्रोग्राम भी मिल सकते हैं। तो दोस्तों अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, इंशाल्लाह ताला अगर ज़िंदगी रही अल्लाह ताला की ज़ात खुश रखे आबाद रखे। आप लोगों से कल मुलाकात होगी, खुदा हाफिज़।